करनाल में कांग्रेसी नेता त्रिलोचन सिंह के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा त्रिलोचन सिंह की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत किसानों की बात मान लेनी चाहिए, उनकी मांग जायज है। दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार वोट किसी की और सपोर्ट किसी की इसी आधार पर बनी थी, जो अपना जनाधार खो चुकी है क्योंकि जेजेपी द्वारा वोट बीजेपी के खिलाफ जनता से मांगी गई थी। बाद में बीजेपी को ही दुष्यंत चौटाला द्वारा समर्थन दिया गया था, परंतु अब किसान आंदोलन में सरकार जनमत खो चुकी है और वह विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव लाएंगे। मध्यावधि चुनाव के बारे में पूछे जाने पर हुड्डा ने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। हुड्डा त्रिलोचन सिंह की माता के निधन पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार को समर्थन करने वाले कई विधायक किसान आंदोलन को लेकर उनके समर्थन में उतर गए हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि विधानसभा के फ्लोर पर पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के साथ है और कौन सा नहीं है। इसके बाद एक प्रश्न के जवाब में हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला किसके साथ हैं सबको पता है, आज किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का दमन चक्र तेज चला रही है, भाजपा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश और प्रदेश में किसानों के साथ खड़ी हुई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के किसानों पर जो दमन किया है उसका हिसाब आने वाले चुनाव में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस नगर निगम का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, कांग्रेस के नगर निगमों के चुनाव में बड़ी जीत होगी, सोनीपत और पंचकुला में मेयर कांग्रेस का बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों में असंतोष है जो भाजपा को पतन के रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलवाकर किसानों की मांगों पर चर्चा करनी चाहिए। बताते चले कि पूर्व सीएम आज करनाल में कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह के निवास स्थान पर उनकी माता के देहांत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। ज्ञात रहे कि गत दिनों त्रिलोचन सिंह की माता राम कौर का निधन हो गया था। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक भीमसेन मेहता, पूर्व विधायक राकेश कंबोज, अरविंद मान, नीटू सहित आदि कई मौजूद रहे। देखिए, आज तुम्हें आया था त्रिलोचन जी की माँ का स्वर्गवास हो गया, बहुत लंबी आयु लेके गई है, 108 साल की है। और जहाँ तक ये किसान जो है जा रहे हैं, सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए, इनकी मांग जायज है, बार बार कैच का विलम्ब नहीं करना चाहिए। सर, दुष्यंत चौटाला जो है हालांकि पहले किसान आंदोलन में नजर नहीं है, लेकिन कल उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान करेंगे, अगर जल्दी किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो इस्तीफा भी दे देंगे। क्या लगता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट सकता है आने वाले समय में? देखिए, मैंने पहले दिन कहा था जिस दिन ये सरकार बनी, वोट किसी की सपोर्ट किसी को, वही है। इसी वास्ते हमने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे हम, उस दिन पता लग जाएगा कौन। तो अभी भी लगता है सर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? वैकल्पिक सवालों का मैं जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन हमारा नो कॉन्फिडेंस है। ये मौजूदा जो हरियाणा में सरकार है बीजेपी जेजेपी, लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास। सर, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, किसानों को काफ़ी परेशानी आ रही है मसले में। जब भी तो मैं कह रहा हूँ सरकार को तुरंत उनकी बात माननी चाहिए और फैसला करना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.